नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल अध्यात्म इंडिया में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बाबा का एक प्रसंग है, सन्यासी बनने का अधिकारी कौन, इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज बाबा के समक्ष एक भक्त ने कुछ ऐसी जिज्ञासा व्यक्त की थी जिसका समाधान अत्यंत कठिन था। वह भक्त सन्यास की परंपरा के बारे में जानना चाह रहा था। उसके अनुसार विवाह जिसका हो गया वह विरक्त हो ही नहीं सकता। विवाह बंधन में बंधने के बाद यदि कोई साधु बनता है तो वह अनर्थ कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी ही सन्यासी बनने का अधिकारी है। उस भक्त की बात बाबा धैर्य से सुन रहे थे। जब उसने अपनी बात कह दी तब बाबा थोड़ी देर मौन धारण कर बैठे रहे। ऐसा लग रहा था कि वे सामने वाले की मन स्थिति को टटोल रहे हों। मौन तोड़ते हुए धीमे स्वर में बाबा ने उस भक्त की जिज्ञासा समाधान के लिए बोलना शुरू किया। यह बात सही है कि विशेष संस्कार से युक्त आत्मा ही संन्यास वृत्ति की ओर प्रवृत्त होती है, लेकिन यह बात सही नहीं है कि विवाह संस्कार को धारण करने वाले सन्यासी या संत नहीं हो सकते। सन्यास या संत बनने का आधार आत्मज्ञान व साधना है। जिसकी साधना पूर्ण हो जाती है वह परम तत्व का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। वहीं जिसकी साधना पूर्ण नहीं होती उसे फिर से शरीर धारण करना पड़ता है। यदि तुम गुरु ऋण से मुक्त नहीं होते तो साधना पूर्ण करने के बाद भी इस चक्कर से मुक्ति नहीं मिलती। जो तुमने पूर्व जन्म में किया है वह चित्त वृत्ति के रूप में तुम्हारे साथ नए शरीर में भी आ जाता है।